तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग मतलब अपने आप से ट्रेड ले सकते हो और कैसे आपको किस मार्केट कंडीशन में आपको ट्रेड लेनी चाहिए और लेनी चाहिए तो कैसे लेने चाहिए और कब लेना चाहिए, व्हेन इज़ द परफेक्ट टाइम और भी कई चीज़ें जो मैं इस आज की वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे मतलब अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो और कैसे आप अपना डेली मतलब आपका जो डेली डे है वो आप प्रॉफिट में एंड कर सकते हो। तो गाइस यही होगी आज की वीडियो, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको आगे क्या करना है। तो देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपनी प्रेजेंट रेट की, जो मैंने ट्रेड अभी ली हुई है, मैंने ये क्यों ली है, मतलब किस रीज़न से मैंने यहाँ पे मतलब अप की ट्रेड ली थी, चलो मैं वो आपको बताता हूँ मैंने किस रीज़न से ली थी। देखो गाइस, तो अगर आप ध्यान से मार्केट की तरफ देखोगे तो पहले जो मार्केट है वो अचानक से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रिएक्ट करके एक सिंगल कैंडल से बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे इसका क्या रिलेशन है, अगर आप पीछे की तरफ ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि पीछे की तरफ जो मार्केट है वहाँ पे एक लेवल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 47.750 पे एक अच्छा खासा लेवल बन रहा है रिजेक्शन का। तो अब मैंने देखो यहाँ पे ट्रेड क्यों ली है, मैंने ट्रेड यहाँ पे इसलिए ली क्योंकि अगर आप पिछली कैंडल देखोगे, पिछली कैंडल जो थी हमारी वो क्लियर डोजी थी, तो मैंने ये ट्रेड इसलिए ली क्योंकि क्लियर डोजी के बाद ये मार्केट जो है वो डाउन तो जाना नहीं था। बिकॉज़ अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी मतलब जितना अगर जाना होता नीचे तो ऑलरेडी वो वहीं से पॉइंट से चला जाता, बट वापस से रिकवर कर रहा था। तो मेरे को जस्ट एक वीक कैंडल फाइंड करनी थी कि जिससे कि मैं ट्रेड ले पाऊँ और प्रॉफिट कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे देखो जैसे मैंने रेड कैंडल देखी, अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अप की शेडो के साथ थी और लास्ट सेकंड में मतलब लास्ट के कुछ 10 से 15 सेकंड में जो कैंडल थी वो रेड बन गई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अग्नि कैंडल से मैंने 5 मिनट के लिए अप ट्रेड दे ली क्योंकि मेरे को पता था कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करके तो पक्का आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो क्लियर 5 मिनट की ट्रेड ली जो कि अपनी अभी क्लियर विनिंग चल रही है, अभी 1 मिनट 35 सेकंड बाकी अपनी ट्रेड ओवर होने में, बट यहाँ पे अपना क्लियर अभी चल रहा है, ये क्लियर ट्रेड प्रॉफिट ही होगी। बिकॉज ये जो मतलब अभी मार्केट है ना ये 47.750 के पास जाएगा, ये मार्केट कन्फर्म है। उसके बाद वहाँ से अगर हुआ तो मार्केट शायद से रिवर्सल लेके आएगा, बट आई डोंट थिंक यहाँ से रिवर्सल लेगा मार्केट, यहाँ से डायरेक्ट अप ही जाएगा। तो गाइज वेट कर लेते हैं अपने ट्रेड एंड होने का। ये ट्रेड देखो गाइज कितना बहुत ज़्यादा डीप विन चल रही है, जस्ट बिकॉज कि इस मार्केट को वहाँ से फटाफट से एक लेवल को अपने टच करना है और देन वहाँ से बैक लेना है। सो ये मार्केट बहुत ही ईजी मार्केट था, आप लोग भी ऐसे मार्केट पर ईजिली ट्रेड ले सकते हो, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है ऐसी कंडीशंस का। और जैसे कि पीछे आप देखोगे तो पीछे वाली कैंडल तो जस्ट लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल कैंडल है वो, बट ये बन जाती हैं। ओटीसी मार्केट है, अब ओटीसी मार्केट का तो मतलब न्यूज़ भी नहीं मिल सकती है, जो मैं आपको बता दूँ कि न्यूज़ इम्पैक्ट है, सो कुछ नहीं कह सकते ओटीसी मार्केट का, ठीक है। तो वहाँ पे गया हुआ है, अब जो भी है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया, मुझे पता था कि यहाँ से मतलब ऊपर एक अच्छा खासा मतलब लेवल बन रहा है, रेजिस्टेंस लेवल है एक अच्छा खासा, तो वहाँ तक मार्केट ज़रूर जाने वाला है। तो मैंने इसलिए क्लियर यहाँ पे रेड डोजी के बाद मतलब 5 मिनट के लिए अप ट्रेड ली। और एक रेड डोजी के बाद जो ग्रीन कैंडल बनने के जो चांसेस होते हैं ना वो अल्टीमेट हो जाते हैं, बिल्कुल लाइक 80-90% चांसेस हो जाते हैं रेड डोजी के बाद बनने के, ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी एनालिसिस करो। तो देखो गाइस यहाँ पे अपनी ट्रेड डीप विन चल रही है, तो यहाँ पे अच्छा खासा अपनी ट्रेड से प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। तो ये देखो आई थिंक हो जाएगी, अब हिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट एंटर हुई थी अपनी 7-8 सेकंड फ्रेंड्स, तो चलो यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। और हाँ गाइस जितने भी बंदे नए हैं जो अभी अपनी चैनल की वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो फटाफट से। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा हमारे टेलीग्राम का, आप हमारे टेलीग्राम पे फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर हम फ्री सिग्नल्स देते हैं आपको आपका लॉस रिकवर करने के लिए। तो आज मैंने फ्री सिग्नल नहीं दिया क्योंकि बिकॉज आज मतलब मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की लग रहा था, तो मैंने मतलब वो रिस्क नहीं लिया, इस कारण से मैंने आज फ्री सिग्नल नहीं दिया। अदरवाइज़ मैंने लास्ट दोनों दिन फ्री सिग्नल्स दिए थे और VIP सिग्नल मैंने आज दिया था, आज दो सिग्नल दिए थे मैंने, दोनों विन कराए थे। आपको अपने फ्री ग्रुप में रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो जो भी बंदे मतलब चाहते हैं कि मतलब ट्रेड करना चाहते हैं या उनको खुद से एनालिसिस करने में दिक्कत होती है तो वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं।
तो आपको स्क्रीन के ऊपर हमारे टेलीग्राम शो हो रहा होगा, तो आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। यहाँ पे देखो हम वीआईपी सिग्नल के डेली रिजल्ट्स डालते हैं मोस्टली, मतलब मोस्टली क्या, हरदम अपनी वीआईपी की एक्यूरेसी 100% ही रहती है। और देखो गाइस यहाँ पे हमने कल सिग्नल भी दिया था, एक फ्री सिग्नल दिया था, तो वो भी हमने आईटीएम कराया था, उससे पहले भी अभी तक अपना सारा आईटीएम ही है फ्री सिग्नल में। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्योटेक्स के विड्रो प्रूफ भी मैं डालता रहता हूँ नीचे, आपने देखा होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम 100% प्रॉफिट कराते हैं। तो देखो गाइस अब देखो यहाँ पे आए, तो देखो गाइस अब यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं किसी और मार्केट कंडीशन में, तो ढूंढते हैं कोई मार्केट कंडीशन जिसमें मैं आपको डिफ़ाइन कर पाऊँ कि कैसे क्या आपको करना है। तो ये मार्केट तो आई डोंट थिंक अभी हम लेंगे इसके ऊपर, तो सिल्वर ओटीसी पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो देखो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट हमें मिल चुका है। अब देखो गाइस अब मैं बताता हूँ आपको कैसे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो इस मार्केट में जिस जहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जिस अभी मतलब मार्केट पॉइंट पे अभी जो मार्केट मूव कर रहा है ना, वो एक बहुत ही बढ़िया लेवल है मार्केट का। पीछे भी अगर इस मार्केट कंडीशन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पीछे भी इस मार्केट कंडीशन पे आगे मार्केट ने मतलब हरकतें की हैं, मतलब वेव क्रिएट की है, मतलब उस मतलब सेम पॉइंट पे आके थोड़ी देर स्टे किया है। तो देखो गाइस हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखो हम एक सिंपल सी चीज़ करनी है, हमें वेट करना है। देखो अब ये जो प्रेजेंट कैंडल जो बन रही है ना, ये डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट कैंडल का जो मूव होने वाला है वो क्या होगा। बिकॉज अगर देखोगे तो अगर ये कैंडल ऐसी वॉल्यूम की बनती है या इससे थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, दैट मीन्स कि मार्केट जो अब यहाँ से है ना, वो नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउन के लिए ही बनाएगा, ठीक है, और एक नया सपोर्ट पॉइंट क्रिएट करेगा। और अगर ये जो कैंडल है प्रेजेंट ग्रीन हो जाती है लास्ट सेकंड में, दैट मीन्स कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट क्लियर रिजेक्शन लेके अप मूव करेगा। तो अब देखो यहाँ पे वेट करना है हमें इस कैंडल का। अगर ये कैंडल देखो अपनी ग्रीन एंड हो जाती है, देन हम नेक्स्ट अप के लिए ट्रेड ले लेंगे। और अगर रेड मतलब रेड में ख़त्म होगी, स्ट्रॉन्ग रेड में, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब रेड में अगर किसी भी टाइप की एंड होगी तो हमें ट्रेड नहीं लेंगे, ग्रीन में होगी देन ही ट्रेड लेंगे, बिकॉज वो क्लियर साइन होगा, क्योंकि एक वीक कैंडल बनेगी वो, उससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ से जो मार्केट है वो अप ही जाने वाला है। तो देखोगे जैसा कि दिख रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये ग्रीन ही बनेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है लास्ट के 10 से 15 सेकंड में ये कैंडल रिवर्सल लेके ग्रीन बनेगी। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो देखो गाइस अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे अप के लिए ट्रेड क्यों लूँगा, क्योंकि गाइस देखो अगर मार्केट को ऐसे डाउन जाना होता ना, तो ये जो कैंडल थी आपकी ये रिवर्सल लेती ही नहीं, ये आपकी स्ट्रॉन्ग रेड बनती और यहीं से मार्केट डाउन कंटिन्यू कैरी करता और यहाँ से मार्केट नया सपोर्ट पॉइंट क्रिएट करता। बट ये जो कैंडल ग्रीन बन रही है ना, दैट मीन्स कि ये क्लियर साइन है कि यहाँ से मार्केट अप जाने वाला है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन एंड हो रही है, देन देखो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ पे 3 2 1। यहाँ पे देखो मैंने 1 मिनट के लिए अप की ट्रेड ले ली है, तो अब वेट करते हैं। अरे यार मिस हो जाती है यार एंट्री, पता नहीं, चलो कोई नहीं गाइस। तो यहाँ पे देखो हमने ट्रेड ले लिया है, क्लियर चल रही है अभी विनिंग में। तो मैं जैसा कि मैंने बताया था आपको, ग्रीन एंड होगी दैट मीन्स कि क्लियर साइन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा और अच्छा खासा अप जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, या तो विन ही होगी बिकॉज यहाँ से क्लियर मार्केट अप का ट्रेंड है। अब लास्ट सेकेंड में वॉलेटिलिटी हो जाए दैट मतलब वो अलग चीज़ है, डे कैंडल अपनी ग्रीन ही होगी। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे 26 सेकंड बाकी है, ये तो ग्रीन होगी गाइस, बट इसके बाद वाली भी जो कैंडल है ना वो भी ग्रीन होगी, बिकॉज अब यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्सल देगा और यहाँ से मतलब अच्छा खासा अप जाने वाला है मार्केट। तो इसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी ग्रीन होगी, बट मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा बिकॉज ऑलरेडी इस मार्केट में प्रॉफिट कर चुका हूँ। ज़्यादा किसी मार्केट पे मतलब ज़्यादा ही फोर्स करने की ज़रूरी नहीं है, देन लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो नेक टू नेक चल रही है, बट देखो यहाँ पे विन हो गई है अपनी ट्रेड, ठीक है। तो अरे एंट्री लेट हुई थी ना अपनी, चलो गाइस विन हो गई, थोड़े से लगी थे एंट्री लेट हुई थी बट फिर भी विन हुई। तो देखो गाइस जैसा कि मैंने कहा था, ये वाली जो कैंडल है ना आपकी, ये भी आपकी क्लियर ग्रीन ही होगी, जैसा कि आप देख भी रहे हो कंडीशंस क्लियर दिख रहा है, मार्केट ग्रीन के लिए मूव कर रहा है, मार्केट यहाँ से अब जाएगा, ऑलरेडी रिवर्सल ले चुका है अच्छा खासा। तो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल भी अपनी ग्रीन ही हो रही है, थोड़ा देख लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखो यहाँ पे ठीक है गाइस, ये ग्रीन ही बनेगी, चेंज करते हैं मार्केट को। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट देखें तो यहाँ देखो गाइस यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं।
अब आप पूछोगे कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लूँगा, तो देखो गाइस यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि लेवल अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 51.085 समथिंग का लेवल है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। और इस लेवल पे देखो गाइस ट्रेड लिया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ से रिवर्सल होगा। अगर आप पीछे का ग्राफ भी देखोगे तो यहाँ से जो है मतलब पीछे एक बारी ब्रेकआउट भी हुआ है और यहाँ से रिवर्सल भी हुआ है दो बारी। तो अब यहाँ से मतलब ये जो है यहाँ से पूरे ग्रीन बनने के चांसेस है। तो मैंने यहाँ पे फिर एक 50,000 की ट्रेड प्लेस की है, फिलहाल लॉस में चल रही है, बट ऐसा सच कोई बात नहीं है, विन होगी। देखो गाइस आ चुकी अभी विन में। तो देखो आप, अब मैंने ग्राफ को जूम इन कर दिया तो थोड़ा आपको क्लियर दिख पाएगा। जो आप देख रहे हो ना, ये 51050 का ये जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। और गाइस कभी भी याद रखना 51.050, 0200, मतलब ये जो लेवल होते हैं ना 50 के लेवल, 200 के लेवल, ये बहुत ही बढ़िया लेवल होते हैं गाइस रिजेक्शन के लिए और रिवर्सल के लिए। तो कभी भी इन मतलब इन लेवल पे आपको कोई भी वीक कैंडल मिले ना, तो समझ जाना यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। तो जैसा कि आप देखोगे अपना भी 51.050 पे, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल है यहाँ पे, देख सकते हो। ये देखो गाइस यहाँ पे अपनी ट्रेड विन हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा मतलब डोची बनी है। अब देखो गाइस यहाँ पे भी मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे मतलब लूँगा नहीं क्योंकि हम एंट्री मिस कर चुके हैं। बट ये जो ट्रेड है ना गाइस, जो अभी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये एक श्योर श्योर ट्रेड है। बिल्कुल पूछोगे आप, पूछोगे क्यों, तो गाइस कभी भी याद रखना, कभी भी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पर डोजी बन जाए ना, ऑलमोस्ट डोजी या थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम की डोजी बन जाए ना, दैट इज़ अ क्लियर साइन कि वहाँ से जो रिवर्सल होने वाला है बहुत तगड़ा रिवर्सल होने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया साइन है। आप लोग को जब भी मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पे डोजी मिले, दैट मींस कि वहाँ से मार्केट रिवर्सल पॉइंट बहुत ज़्यादा मतलब पक्का होगा, मोस्टली ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है वहाँ से। मैं यहाँ पे मतलब लेट हो गया 5 सेकेंड, लेकिन अगर थोड़ा टाइम मिलता मेरे को, मतलब 1 मिनट मिलता प्रॉपर, तो मैं वहाँ पे अब ट्रेड लेता, वो श्योर श्योर ही होगी। तो देखो गाइस अब और भी कोई मार्केट कंडीशन देखते हैं जहाँ पे ट्रेड ले पाएँ। तो यहाँ पे गाइस ट्रेड ले सकते हैं। अब पूछोगे यहाँ पे क्यों ले ली सर ट्रेड आपने, मैं देखो यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख लोगे तो 262.157 के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मतलब लेवल बना हुआ है। और अब अगर आप ध्यान से कैंडल देखोगे ना, आप पिछली दो कैंडल देखो आपको ग्राफ के ऊपर दिखाई दे रही होगी, वो तो दोनों कैंडल है ना वो सेम पॉइंट पे जाके, मतलब उन दोनों कैंडल की शेडो है जो सेम पॉइंट पे जाके रिवर्सल हुआ है। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है ना कि नेक्स्ट कैंडल जो है उस पॉइंट से अप नहीं जाने वाली है। तो इस कैंडल का भी जैसा आप देख रहे होगे तो देखो आपको दिखाई देगा क्लियर कि यहाँ पर भी मतलब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो रहा है। तो वो देख सकते हैं यहाँ पे भी अपनी ट्रेड थोड़ी सी लॉस में चल रही है, तो वेट कर लेते हैं 20 सेकेंड। तो यहाँ पे देखते हैं 16 सेकेंड बाकी हैं, तो जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो गाइज अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, अभी देखो बिल्कुल करंट प्राइस पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लेवल बन रहा है। तो इस लेवल पे मतलब ये लेवल बहुत ही बढ़िया है ट्रेड करने के लिए, डाउन ट्रेड लेने के लिए, बट पता नहीं मार्केट कंडीशन थोड़ी सी अगेंस्ट जा रही है, रिफंड हुई है। चलो गाइस यहाँ पे ट्रेड मैंने नेक्स्ट ट्रेड देखो मैंने यहाँ पे फिर से 50,000 की ले ली है। तो अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे आपने ट्रेड क्यों लिया, सेम चीज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब भी आपके कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आपको डोजी मिले, दैट इज़ अ क्लियर साइन कि मतलब उस रिजेक्शन पॉइंट से रिवर्सल होने वाला है 100%। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ट्रेड लिया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे पिछली कैंडल डोजी है तो ये पक्का श्योर श्योर ट्रेड बननी चाहिए। क्योंकि मैंने बार बार यही बोलता हूँ कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पर आपको डोजी मिले, दैट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो वेट करते हैं फटाफट से, मेरे हिसाब से तो ये कैंडल रेड बननी चाहिए। तो देख सकते हैं अब थोड़ा देखते हैं, 16 सेकंड बाकी है, नीचे आएगा आई थिंक, आ जाएगा नीचे का इस 11 सेकंड है। तो यहाँ पे देखो यार आ चुका है, नीचे आया है लास्ट सेकंड में, जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ से थोड़ी लेट प्लेस ली थी हमने 1-2 सेकेंड ट्रेड, कोई इशू नहीं है। तो देखो गाइस यहाँ पे हम विन कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब भी आपकी मतलब डोजी बनेगी ना, दैट मींस कि वहाँ से रिवर्सल होने वाला है, एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो आप नेक्स्ट कैंडल पे, जो कि मैंने किया। आप भी सेम चीज़ करके गाइस अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा डीप में जानना है ना गाइस इस चीज़ के बारे में, आज में आज की वीडियो में तो मैंने इतने पॉइंट नहीं कवर किए क्योंकि टाइम भी नहीं था, थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रहा था। तो अगर आप चाहोगे
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर सब कुछ बता सकता हूँ कि कैसे क्या आपको करना है, हर एक चीज़ समझा सकता हूँ, कैसे कैंडल पे कैसे आपको ट्रेड लेनी है, उस चीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी और वो थोड़ी सी लंबी वीडियो भी होगी क्योंकि इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा, जस्ट मैं बिज़ी भी चल रहा था। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊँगा। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।